नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में आरजे ऑटोमोबाइल यूट्यूब का एक चैनल जिसमें ऑटोमोबाइल के सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो इसी तरीके से हमारा आज का टॉपिक है यूनिवर्सल जॉइंट। यूनिवर्सल जॉइंट की मदद से ही हमारी गाड़ियाँ सही तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। एक्चुअली यूनिवर्सल जॉइंट ट्रांसमिशन सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट। तो आइए देखते हैं यह यूनिवर्सल जॉइंट वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, हमारे आज का टॉपिक है यूनिवर्सल जॉइंट। गाइस, यूनिवर्सल जॉइंट में एक बेसिक पार्ट होता है जिसे कहते हैं यह सेंटर पीस। आप देख सकते हैं यह प्लस के साइन पे बना हुआ है। इसे कनेक्टिंग क्रॉस पीस ऑफ जॉइंट भी कहा जाता है, क्योंकि यह दो योक्स को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे दो योक्स हैं, आप देख सकते हैं, यह है पहला योक और यह है दूसरा योक। ये दोनों योक्स इन बीयरिंग्स के थ्रू इस प्लस पीस या सेंट्रल पीस से जुड़ा होता है। जैसे कि यह आप यहाँ देख सकते हैं, यह पहला योक है जो कि इन दोनों बीयरिंग्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, जिससे यह आसानी से मूव कर सकता है। ठीक उसी तरीके से यह योक भी इन दो बीयरिंग्स के थ्रू जुड़ा हुआ है, जिससे यह इजिली मूव कर सकता है। अब ये दोनों योक पर्टिकुलर एक शाफ्ट से जुड़े होते हैं। जैसे कि यह है पहला शाफ्ट जो कि इस योग से जुड़ा हुआ है, यह है दूसरा शाफ्ट जो कि इस योग से जुड़ा हुआ है। तो यह था गाइस यूनिवर्सल जॉइंट का मैकेनिज्म। अब देखते हैं कि यूनिवर्सल जॉइंट एक्चुअली यूज कहाँ किया जाता है। यूनिवर्सल जॉइंट गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में जुड़ा हुआ होता है। ठीक उसी तरीके से प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल के बीच भी जुड़ा हुआ होता है। यूनिवर्सल जॉइंट एक्चुअली ट्रांसमिशन सिस्टम का एक बेसिक पार्ट है, जिसकी मदद से ऑलमोस्ट 180 डिग्री का रोटेशन मिलता है। देखिए, अगर यह है पहला योग और यह है दूसरा योग, ये दोनों इस क्रॉस पिन से जुड़े हुए हैं। अब ये देखिए, ऑलमोस्ट 180 डिग्री का रोटेशन। ठीक उसी तरीके से इसमें भी 180 डिग्री का रोटेशन। ठीक इसी तरीके से यह यूनिवर्सल जॉइंट भी वर्क करता है। अगर देखते हैं कि यह गियर बॉक्स का शाफ्ट है, तो यह प्रोपेलर शाफ्ट का शाफ्ट होगा। तो अब सडनली किसी कंडीशन पे अगर गाड़ी चल रही है और कहीं पे अगर बम्स आ गए, बस कहीं गड्ढे आ गए, तो उस कंडीशन में कहीं पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन होता है, मतलब प्रोपेलर शाफ्ट में खिंचाव आता है। अब यदि प्रोपेलर शाफ्ट कुछ हद तक एक्सपेंड होता है या कहीं बम्स में अप एंड डाउन मोशन के कारण उसके एंगल में चेंजेस आते हैं, तो प्रोपेलर शाफ्ट के टूटने का डर रहता है। तो यहीं पे इस यूनिवर्सल जॉइंट का काम आता है। अगर प्रोपेलर शाफ्ट में एंगुलर चेंजेस आते हैं, तो उस कंडीशन में यह योग अप एंड डाउन होकर उस एंगुलर मोशन को सपोर्ट करता है और हमारे प्रोपेलर शाफ्ट टूटने से बच जाता है, जिससे गाड़ी सही तरीके से आगे चलती रहती है। ठीक उसी तरीके से यह यूनिवर्सल जॉइंट प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल के बीच भी जुड़ा होता है। जैसे कि अगर ये प्रोपेलर शाफ्ट का शाफ्ट हुआ, तो यह डिफरेंशियल का शाफ्ट होगा, और ठीक उसी तरीके से वहाँ भी एंगुलर मोशन को यह यूनिवर्सल जॉइंट सपोर्ट करता है और शाफ्ट के टूटने से बचाता है। सो गाइस, यह था यूनिवर्सल जॉइंट। और अब देखते हैं टाइप्स ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट, जिसमें पहला है फ्लेक्सिबल हार्डी कपलिंग जॉइंट, दूसरा है हुक्स एंड रिंग टाइप यूनिवर्सल जॉइंट, एंड थर्ड मफ कपलिंग, फोर्थ योक टाइप ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट, फिफ्थ हार्डी स्पाइडर नीडल बेयरिंग टाइप जॉइंट, एंड देन लेयर अप कपलिंग जॉइंट, एंड फाइनली कॉन्स्टेंट वेलोसिटी यूनिवर्सल जॉइंट। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे आज के वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो नीचे लाइक का बटन जरूर हिट करें, इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में जान सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।